नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त यूके पीएससी स्टार्ट पॉइंट से गौरव, जो कि आ गया हूँ दोस्तों आज गढ़वाली कुमाऊनी कहावतों का पार्ट सेकंड लेकर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आपके जो कि आज गढ़वाली कुमाऊनी ओखाण पहाड़ी कहावतें। तो दोस्तों चलिए, तेना तनखा भजराम हवलदारी, मतलब इसका मतलब होता है दोस्तों बिना वेतन के बड़ा काम करना, जो कि गढ़वाली में। तो दोस्तों हमारा जो कि दूसरा मुहावरा है, कख नीति और कखी माणा, राम सिंह पटवारी ने कहाँ कहाँ जाना। तो दोस्तों गढ़वाली में आपका ये सुना भी होगा, जो गढ़वाली लोग आप वीडियो देख रहे हैं, कख नीति और कख माणा, राम सिंह पटवारी ने कहाँ कहाँ जाना, एक आदमी को एक समय में अलग अलग काम देना। दोस्तों सपोर्ट डेट आपका काम हरिद्वार में है और आपको देहरादून भी उसी टाइम भेजा जा रहा है, जो कि आपके UKSSC में कनिष्ठ आय की टाइपिंग भी उसी दिन है और UKPSC की टाइपिंग भी उसी दिन है। तो दोस्तों आप कहाँ कहाँ जाएंगे, यही हो सकता दोस्तों इस मुहावरे का, कख नीति रेग नीति और कख रेग माणा, राम सिंह पटवारी ने कहाँ कहाँ जाना। तो दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे मुहावरे की ओर। तो हमारा दूसरा मुहावरा है माणा, माणा मिते गोनी और 18 मिति दोनी, मतलब माणा से ऊपर गांव नहीं और 18 से ऊपर दाव नहीं, मतलब माणा एक ये हो गया दोस्तों, माणा से ऊपर कोई गांव नहीं है और 18 एक ऐसे होता है इससे ऊपर कोई गांव नहीं हो, मतलब दाव नहीं लगा सकता। दोस्तों हमारा जो कि दूसरा मुहावरा है, कख खिड़ी कख गिड़की और कख बरकी, बादल कहाँ कहीं गरजा और कहीं बरसा, अर्थात कुछ और बोलना और कुछ अलग करना, मतलब बोलेंगे आपकी मुझे पेपर निकालें और बना आप रील्स रहे, इसका मतलब ये दोस्तों गढ़वाली में कख गिड़की और कख बड़की। तो दोस्तों हमारा दूसरे चलते हैं अपने दूसरे मुहावरे की ओर। दूसरा मुहावरा है बांजा बना बरखना, तो दोस्तों बंजर जमीन में बरतना, अर्थात जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ काम करना। दोस्तों अभी आपके पास जो कि UKPSC में कोई बड़ा पेपर नहीं है, तो आप UKPSC की लाइक पढ़ रहे हो और कहीं आप रुपाई कर रहे हो और कहीं ये कर रहे हो, कहीं रुपाई के लिए बारिश नहीं हो रही और कहाँ बारिश नहीं हो रही वहाँ जहाँ रुपाई नहीं लगती, इसका मतलब यही है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे मुहावरे की ओर, जो देख सकते हैं आप, जब जेठ तापलू तब सोण बरखा लो, जेठ का महीना जितना तापेगा सावन में उतनी अच्छी बारिश होगी, अर्थात जितनी अधिक मेहनत होगी उतना अच्छा फल निकलेगा। दोस्तों इसका मतलब यही है, जितनी आप अच्छा तपोगे और रात को जो कि नींद पूरी नहीं होगी, आप अच्छी तैयारी वीडियो भी पूरी एग्जाम के लिए करोगे तो आपका पेपर जल्दी से निकल जाएगा, इसी का मतलब ये दोस्तों, जब जेठ तपलू तब सोण बरखल, मतलब जब आप कठिन संघर्ष करोगे तब अच्छा फल मिलेगा। दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे मुहावरे की ओर। तो हमारा जो कि दूसरा मुहावरा है, निहोण बरखा का बड़ा बड़ा बूंद, ये देख सकते हैं आप, निहोण बरखा का बड़ा बड़ा बूंद, मतलब बारिश की बड़ी बड़ी बूंद पड़ने का मतलब है अच्छी बारिश नहीं होगी। दोस्तों कोई बरसते कुछ और गरजते कुछ, ये गढ़वाली में है कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें कुछ पड़ने का कोई मतलब ही नहीं होता अच्छी बारिश उत्कर्षण से। आपने देखा होगा जब बड़ी बड़ी बूंदें पड़ती है तो बारिश का आधा जो कि आधा आसमान, उसके बाद बारिश नहीं लगती है। अब दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे मुहावरे की ओर, भादों की छात भूत खूणी व काती की छात भूत खाणी, मतलब भादों की छात भूत खाणी और भादों की जो भादों की छात भूत खाते हैं और कार्तिक की छात भूत, अर्थात भादों में मौसम परिवर्तन होता है, इसलिए जो आपकी मट्ठा छात मट्ठा को कहा जाता है गढ़वाली में, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और कार्तिक माह जो शीत ऋतु आती है तब छात में कोई दिक्कत नहीं होती, इसका मतलब यही है दोस्तों, भादों की छात भूत खूणी और कार्तिक की छात भूत खूणी, इसका मतलब यही है कि आपका किस कारण आपका समय पर परिश्रम कर दिया तो अच्छा है, नहीं बाद में करके इसका क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे मुहावरे की ओर। तो दोस्तों हमारा जो कि दूसरा मुहावरा है, ये देख सकते हैं आप, गरीबी की जवानी और हिंदू की जवानी और अरकत जाओ, मतलब गरीबी की जवानी और जाड़ों की चांदी बेकार जाती है। आप देख सकते हैं कि गरीब लोग जो जवान होते हैं लेकिन उनका जो जीवन होता है इष्टकाल में बीत जाता है, और हुंद मतलब जो हमारा हुंद में जो ठंडों का महीना रहता है उसमें चांदनी जो कि वो बेकार ही रहती, क्योंकि लोग बाहर आते नहीं ठंडों के महीने और इसलिए वो चांद बेकार रहता। दोस्तों हमारा जो कि दूसरा मुहावरा है, बांस बांस बबुल काटन, बांस बबुल
काटन पर आस औलाद भी देखण। दोस्तों इसका मतलब यह है कि घास लकड़ी बेशक काटो लेकिन आने वाली पीढ़ियों के ध्यान बच्ची रखो। अर्थात प्रकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ ठीक नहीं है। पहाड़ी कावदे में इसमें इसलिए कहा गया है बांस बबूल काटन पर आस औलाद भी देखो, घास लकड़ी बेशक काटो लेकिन उनके जो जड़ हैं उनको पूरा मत काटो। तो दोस्तों हमारा जो कि दूसरा मुहावरा है तो एक ये क्या हुयू गोरखाणी राज, मतलब गढ़वाली में ये कहा जाता है दोस्तों, यहाँ कोई गोरखा का राज चल रहा है क्या जो अपनी मनमानी करोगे। गोरखा राज में उत्तराखंड में भारी अत्याचार और मनमानी की जाती थी, जो आपने गोरखा शासन में पढ़ लिया होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट मुहावरे की ओर। तो दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे मुहावरे की ओर, पंच वि परपंजी वेगिन, मतलब गढ़वाली में ये बोला जाता है दोस्तों, पंच भी परपंजी हो गए और अर्थात जो मुखिया है न्याय करने वाला वो बेमान भी हो गया। दोस्तों गढ़वाली में इसे कहते हैं पंच भी परपन हो गया, आपका जो पंच है आपने जो अपना फैसले के लिए पंच बुलाए हैं वो आजकल परपंजी, मतलब वो आजकल बेमान हो गया। दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे मुहावरे की ओर। दूसरा मुहावरा है बेसाख और सोण बड़ख्याग पंच, मतलब अयोग्य लोग प्रतिनिधि बना गए, बेसाखू और सोनिया बनेगी पंच। इसका दोस्तों यही मतलब है, सॉरी थोड़ा पहले में गलती हो गई थी थोड़ा, बेसाखू और सोनियों बनेगी पंच। इसका मतलब यही दोस्तों, जो अयोग्य लोग होते हैं उनको प्रतिनिधि बना देते हैं और जो बेचारे योग्य होते हैं वो ऐसे ही धरे के धरे रह जाते हैं। और दोस्तों अपना दूसरा मुहावरे आप देख सकते हैं दोस्तों, दूसरे मुहावरे की ओर, अपरिकरणी बतरणी तरणी, अपनी मेहनत से अच्छा फल मिलता है या अपने अच्छे कर्म ही साथ देते हैं। अपनी मेहनत से अच्छा फल आपको मिलेगा और जो आपके अच्छे कर्म हैं उसका वही आपके साथ देते हैं। बाकी बकाया दुनिया दो मतलब ये दोस्तों, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है इधर, सब मतलब ही लोग हैं, किसी के लिए पानी बुलाओ तो पानी नहीं लाते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा मुहावरा है गढ़वाली, आगात के नापी और बखात के थापी, मतलब आसमान का कोई नाप नहीं हो सकता और समय का कोई रोक नहीं सकता। आगात के नापी बखात के छापी, मतलब आपका जो गढ़वाली में है आसमान कोई नाप नहीं सकता, आप देख ही सकते हैं और समय जो चलता रहता है दोस्तों समय की गति को आप रोक ही नहीं सकते। तो दोस्तों हमारा दूसरा मुहावरा है गढ़वाली, तो देख सकते हैं आप थोड़ा हिल गया दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ। रोत और गोत कख नहीं होंदा, मतलब दोस्तों पहाड़ों में रावत जाति के लोग और गहत की जाग की दाल हर जगह नहीं मिल जाती। दोस्तों मैं भी रावत हूँ, रावत आपके इधर भी हैं तो कमेंट में रावत लिख सकते हैं आप। इसका मतलब ये है दोस्तों, रोत और गोत कख नहीं होंदा, पहाड़ में रावत जाति के लोग और गहत की दाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट मुहावरे की। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, बिनड़ी बिरवा माँ मूसनी मरदा, बिनड़ी बिराओ माँ मूसनी मरदा। दोस्तों ज़्यादा लोग आप में काम सफल नहीं होते, देख सकते हैं आप कि कहीं पे ज़्यादा लोग काम करते हैं तो कई तरह के काम करते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, इस कारण आपका काम जो कि सफल नहीं होता है, ऐसे में काम बिगड़ जाता है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट मुहावरे की ओर। तो दोस्तों हमारे दो मुहावरे बच रखे हैं, सिंटोला की पंचायत, मतलब अयोग्य लोगों का ग्रुप या अयोग्य लोगों की मीटिंग, सिंटोला की पंचायत, मतलब सिंटोला हमारे गढ़वाल में मूर्ख लोगों को कहा जाता है। दोस्तों हमारा जो कि नेक्स्ट मुहावरा है जो कि आप देख सकते हैं, निगोशियों का गोरू उजाड़ जानदन, निगोशियों का गोरू उजाड़ जानदन। गोरू मतलब दोस्तों हमारे इसमें गोरू गाय के लिए बोला जाता, उजाड़ मतलब किसी का नुकसान कर देते हैं। बिना अभिभावक की संतान खराब होती, जिनके माता पिता नहीं होते दोस्तों, वैसे तो सबके होने चाहे बोलने चाहे दोस्तों, पर उनके उनकी संतान जो कि खराब होती। सूद से पूत प्यारो, ये देख सकते दोस्तों, बेटे से पोता ज़्यादा प्यारा होता है, ये देख सकते आप, ये बताया गया सूद से पूत बेटे प्यारो, पूत मतलब नाती बोला जाता दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर, पदाने वारिकू नाउ तोली नथुली। दोस्तों प्रधान मतलब प्रधान का प्रधान बोला जाता है प्रधान के लिए,
और बुआरी को, बुआरी मतलब बहू होती है कि नौ तोलन, नौ मतलब नौ और तोला, तोला बोलते दोस्तों नथुली, अर्थात बड़ों लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती है दोस्तों। दोस्तों अब चलते हैं अपने कुमावनी मुहावरे की ओर। दोस्तों वीडियो तो लंबी हो चुकी है, लेकिन क्या करें दोस्तों, आपको वीडियो भी पीडियो एग्जाम में यही मुहावरे काम आएंगे। तो दोस्तों चलते हैं दूसरे मुहावरे की ओर, कुमावनी मुहावरा। आप कुमावनी आगे सुन, तो कुमावनी मुहावरा करते हैं आप शुरू, चलते हैं फर्स्ट कुमावनी मुहावरे की ओर। दोस्तों ये देख सकते हैं आप हमारा फर्स्ट मुहावरा कुमावनी, जे जसु ते तोसु मूसा को पोथिर मूसा को जसु मचगल, मतलब ये दोस्तों ये कुमावनी में हमारा मूसा मतलब उसको बोला जाता है चूहे को, मतलब बच्चे बच्चे के अंदर जो कि माँ बाप के तरह अपने माँ बाप जैसे गुण आते हैं, यही इसमें बताया गया। अपनो थे कुकुर ले प्यार, अपने घर की खराब चीज़ भी अच्छी लगती है। अपने थे कुकुर ले प्यार मतलब अपना घर का कुत्ता भी हमको अच्छा लगा जाता है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट मुहावरे की ओर। ये देख सकते अपड़ू मेहता को ढूंगू ले प्यार, दोस्तों ये देख सकते हैं आप जब कोई लड़की अपने मेह से दूर चले जाती है, कहावत सतरवाल की बहू द्वारा बनाई गई है, जब उसके मायके की याद, जब उसको अपने मेहता की, या हमारे गढ़वाल में मेहत बोलते हैं लेकिन हिंदी में उसको मायका बोला जाता है, उसकी याद आती है तो बोलती है कि अपने मायके का पत्थर भी हमको अच्छा लगता है। तो दोस्तों अब दूसरे चलते हैं अपने दूसरे मुहावरे की ओर। ये देखिए दोस्तों, मूसा की आय रे गाँव गाँव और बिरावले हुई खेल, ये दोस्तों हमारे गढ़ कुमावनी में, ये गढ़वाली में ये बोला जाता है, मूसा कबल प्राण बिरावले खेले गढ़वाली में बोला जाता है। दोस्तों आप देखते हैं चूहे की बल आफत आई है और बिल्ली बिल्ली उसके सामने मस्ती आ रही है, देख सकते हैं आप मस्ती आ रही मतलब दूसरों की परेशानी में खुश होना, ये इसका मतलब है। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट मुहावरे की ओर, चलते हैं अपने नेक्स्ट मुहावरे की ओर। बान बने बल्द, बान बने बल्द हारिग, मतलब हल जोते जोते बैल कहीं खो जाना, और अर्थात काम करते करते काम करते काम करते करते काम करने वाली जो कि आपकी वस्तु खो जाना। सपोर्ट डेट आप जो कि कोई मैया लग हल लगा रहे तो उसमें जो हल पे जो नुकीला फाल होता है वो खो जाना, इसका मतलब ये है। दोस्तों ये देखते हैं आप, देखते हैं देख मेस के, देख मेस के देखण तापी घाम के तपण, अर्थात देखा परका हुआ इंसान क्या देखना, रोज तापी हुई धूप को रोज क्या तापना, इसका मतलब यही दोस्तों कि आपका दोस्त रोज दिख रहा है और आपने जो डेली आप दाल भात खा रहे हो तो डोली क्या खाना। अब चलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट मुहावरे की ओर। तो हमारा जो कि अगला मुहावरा है ये देख सकते हैं दोस्तों आप, चल के देखा चाल चलाक यार देखो, मतलब बेटे को परखना तो उसकी संगत देखो, चेल चेल के देख देखा चेल यार देखो, मतलब बेटे को परखना। आप देखते दोस्तों ये नेक्स्ट मुहावरा है, मांडू फुकियालू आफी देखियालू, मांडू देखिया जब कुछ लोग कुछ होगा तो सबको पता चल जाएगा, मांडू फुकियालू आफी देखियालू, मतलब मांडू मतलब जब कुछ होगा, मतलब मांडू मतलब ये होता है कि जो समय में घट रहा है। अब दोस्तों हमारा अगला मुहावरा है, जब बाघ बकरी लीगो तब होलो, मतलब कुमावनी में याद दोस्तों, जब नुकसान हो गया तब हल्ला करना, मतलब बाघ ने बकरी या कोई आपका कुत्ता ले गया और बाद में आप उसके लिए हे कर रहे, इसका मतलब यही है दोस्तों। अपने अगले मुहावरे की ओर तो चल, तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, काणी के छेद निसकन, काणी के छे निसकन, काणी बिन रे निसकन, मतलब अंधी का ख्याल भी नहीं रखते और अंधी के बिन नहीं रह सकते, अर्थात यह पहाड़ी कहावत है कि नेताओं के चरित्र को चरितार्थ करती है वह गरीबी का ख्याल भी नहीं रखते और गरीब के बिना भी रह नहीं सकते। और ये देख सकते हैं आप नेता क्या बोलते हैं जब चुनाव टाइम की, ऐसा करेंगे गरीबों के लिए ऐसा करेंगे, बाद में देखो अपना बंगला कोठी देहरादून में लेते हैं और गरीब लोगों को भूल जाते हैं, इसका मतलब यही दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अगले की ओर। तो दोस्तों काफ़ी फनी मुहावरा है, लगने वक्त, लगने वक्त हगना, मतलब शादी के समय टॉयलेट लगना या मतलब महत्वपूर्ण कार्य के बीच बिघन, हगण मतलब आपका जो कि आपको प्रेशर पर न कहे उसके लिए कहा जाता है दोस्तों। आप चलते हैं दोस्तों रामू कौतिक, ये देख सकते हैं आप, रामू कौतिक, रामू कौतिक गो कौतिक नीलाग, रामू कौतिक, तो आप बाजार में गए
आप जिस काम के लिए गए वहाँ उस काम का ना होना। आप सपोर्ट डेट, आप मेले में गए, आपको पता है आज से मेला लगेगा और आज मेला नहीं लगेगा, इसका मतलब कोथी का मतलब मेला ही होता है दोस्तों, आपको तो पता होगा। रामू कोथी गए, कोथी नहीं लगना। माँ सपोर्ट डेट, अर्पिता कोथी गए लेकिन कोथिंग नहीं लगे। अर्पिता मेले में जाती है लेकिन वहाँ मेला लगता ही नहीं। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट मुहावरे की ओर। तो ये देख सकते हैं आप, मान सिंह को मोने लु चटकाई, पान सिंह उसाई, मतलब बिसी बात किसी को सुनाई और बुरा किसी और कर लोगा। दोस्तों इसका मतलब हिंदी मुहावरा देखे तो इशारे में दो फाट करना, इसका मतलब यही दोस्तों। मान सिंह किसको सुनाते हैं और आप किसके लिए बोल रहे हैं, इसका मतलब यही दोस्तों। अब दोस्तों ये देखते, सासु ले बुआरी दे क्यों और बुआरी ले कुकुर ले क्यों और कुकुर पुछड़ी लाई, इसका मतलब यही दोस्तों। अर्थात आलसीपन एक दूसरे का काम बताया, दूसरे ने तीसरे को, अगले ने हामी भरी लेकिन काम किया नहीं। दोस्तों देख सकते आप वही है दोस्तों कि मुख्यमंत्री के लिए उसके लिए बोला, राज्यपाल छोटे के लिए बोला, अपने से छोटे के लिए, लेकिन उत्तराखंड में वैकेंसी आती नहीं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट मुहावरे। तो ये देख सकते हैं आप, हगण ताकि बाटा चण, जहाँ जरूरत पड़े तब सामान खोजना, ये इसका मतलब। हगण दोस्तों हमारे देश में बाहर बोलता है, नानी नी नानी देखनी उत्तरायण को थी, नाने और नाने वालों को पता उत्तरायण के मेले में पता लग जाता है, अर्थात झूठ बोलने वाले लोगों का सामाजिक कार्यों में पता चल जाता है, ये इसका मतलब है दोस्तों। नानी नी नानी देखनी उत्तरायण को थी। दोस्तों हमारा एक मुहावरा है, पूर्व को बादल न घो न धो न पानी, पूर्व के बादल से बारिश नहीं होती। पूर्व हमारे दोस्तों में बादल न घो न पानी, घो मतलब इसका पानी बोलते हैं दोस्तों, घो के लिए पानी। और दोस्तों अपने नेक्स्ट मुहावरे की ओर चलते हैं, भैंसा को सिंह भैंसा को भारी नहीं हो, अर्थात माता पिता की अपनी संतान बोझ नहीं लग जाए, अर्थात माता पिता को जो आपके माता पिता है और आप उनके बच्चे हैं तो उनको आप बोझ नहीं लगते हैं। लेकिन आज तो उल्टा हो गया, बच्चों को अपने माता पिता बोझ लगते हैं। तो दोस्तों अगले मुहावरे की ओर चलते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, शाक बगाल सिंह टूट, शार की किस्मत से सिंह टूट गया, ये देख सकते हैं आप। शार बोलता है तो अर्थात कामचोर को अच्छा मौका मिल गया, किस्मत से उसको अच्छा, शार की किस्मत सिंह टूट गया, अर्थात जो किस्मत से काम चोर होता है उसको अच्छा मौका मिल गया। तितर खान मन खाओ बताए, मन में कुछ और मुंह पर कुछ, तितर खान मन खाओ बताए, मन में नहीं बताते दोस्तों। कोई चेलिते सुनाए बुआरी को, बोला बेटी को और सुनाया बहू को, बोलते आप कोई कभी कभी होता दोस्तों, अगर हमारे किसी दोस्त से लड़ाई या किसी को हम सुनाना चाहते हैं तो अपने साथ वाले को सुना देते हैं, लेकिन इशारा दूसरी तरफ इसका होता है। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट मुहावरे की ओर। दोस्तों ये देख सकते हैं हमारे कुआवर में, चेल है सकर नाती प्यार, चेल हमारे कुमावनी में जो कि लड़के के लिए बोला जाता है, चेली लड़की के लिए, और चेल नाती थे प्यार, नाती सकर नाती, बेटे से ज़्यादा प्यारा पोता होता है। न सोण कम न भादों कम, कोई भी किसी से कम नहीं, दोनों पढ़ते हो कि बराबर। तो दोस्तों आप कि अगर सपोर्टेड बराबर नंबर आते हैं किसी स्टूडेंट के तो मनोज भी कम नहीं और ये भी कम है। इसमें हमारे कुमावनी में सोण जो कि सावन महीने के लिए बोला जाता है, और भादों हमारे लिए जो कि भादों का महीना होता है उसके लिए बोला जाता है। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट मुहावरे की ओर। हमारा नेक्स्ट मुहावरा है, निखारनी बॉडी चलपन दौड़ी, नखरे वाली बहू सबसे ज़्यादा खाती है, जो नखरा दिखाते हैं कि कोई कोई लोग होते दोस्तों नखरे दिखाते कि नहीं खाते नहीं, लेकिन बाद में कई ज़्यादा खा लेते। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट मुहावरे की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट मुहावरा है, ये देख सकते हैं आप, द्वि दिन का पूर्ण तीसरा दिन निपटान, आदर सत्कार अधिक दिन तक नहीं होता। आप किसी के घर में जा रहे हैं तो आपके मेहमान की खातिरदारी दो दिन तक होती, उसके बाद वो बेमान हो जाता है। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट मुहावरे की ओर। शिक्षण का मुहावरे की ओर, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट मुहावरे की ओर। अध्ययन ब्राह्मण की भैंसा की खीर, अब अध्ययन मतलब संतुष्ट न होने पर मना करने पर भी झूठा बहाना करना। जो घड़ी गो ओ घड़ी पानी, जो गो मतलब कई तरीकों के से एक साथ व्यवस्था होना,
दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट मोहन। ये दोस्तों आपको मामनी भोलते भोल जे जोगी होनु हरिद्वार रोनु। अच्छाई हमेशा अपने मौलिक रूप से रहती है। अच्छाई आप देख सकते हैं नौलु गोरु नोपू दासक घासक नए कार्य जोश के साथ काम करना। नौलु गोरु नोपू घासक नौलु गो मतलब नौलु घो गोरु पू नो घासक मतलब आप गोरु के लिए घास के लिए जा रहे हैं नो घासक घास के लिए बोलते हैं इसके लिए। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट मुहार। तो दोस्तों हमारा जो कि अंतिम जो पिनोग पातक पानी इधर की बात उधर करने वाला स्थान। कोई कोई होता दोस्तों इधर उधर जो कि बातें फैला देते गढ़वाल में कुमाऊं में। दोस्तों हमारा नेक्स्ट मुहार है घर पिनाओ पाणु पिनाओ हर जगह एक ही चीज़ सुनाई देना। जो कि हर जगह ये देख सकते हैं आप घर पिनाओ बण पिनाओ जो कि आपको हर जगह एक ही बात सुनाई देती है। अब दोस्तों अगले मुहार है नौ रति तीन त्वाल अनुमान नहीं लगा पाते मतलब नौ रति आपका है तीन इसमें मतलब अनुमानित नहीं है। अब दोस्तों अब देखते हैं रति व्याणे को भल 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 स्वेण आलस्य के बहाने ढूंढना। रति व्याण मतलब रति व्याण के स्वेण स्वेण मतलब सोना होता है बाण व्याणी मतलब सुबह के जो प्रातः काल होते हैं उसको व्याण बोलते हैं दोस्तों कुमाऊनी में। तो दोस्तों चलते हैं अब दोस्तों चलते हैं ताते खू जाय मोर मतलब जल्दीबाजी करना। आप जल्दीबाजी की चाय पीने में करें चाय गर्म है ता तक घू जाय मर आपका जीभ आपसे जल जाएगी जो कि आप जल्दीबाजी चाय पीने में करोगे। अब देखते दोस्तों अब हमारा ये देख सकते हैं दोस्तों एक मुहावरा ये भी कभी शाप थायड कभी लकाड़ परिस्थिति अनुकूल ना होना। ये देख सकते हैं आप अकेले अमरे कभी भेंट नहीं होनी। अकल और उम्र की कभी मुलाकात नहीं होती। दोस्तों जब शरीर में ताकत रहती है तब अकल नहीं आती और जब अकल आती तब शरीर कमज़ोर पड़ता था। आपने ऐसे ऐसे काम होते दोस्तों जब हमने पढ़ना था तब हमने पढ़ा नहीं अब इस टाइम अब वीडियो एग्ज़ाम के लिए कम दिन रखे अब दिन तीन चार चार बार उसी किताब को पूरी किताब को खोलें। इसका मतलब यही दोस्तों अकले अमेर कभी भेंट नहीं होनी। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले मुहावरे की ओर। दोस्तों आप देखते हैं गोणी अपड़ पूछड़न नान देखो। दोस्तों गोणी हमारे गोणी आप लंगूर को बोलते हैं तो अपने दोस्त को अपने काम को बताओ अपने पूछड़ा को देखते हो दोस्तों का दोस्त हो। कुछ कुछ लोग होते हैं दोस्तों जो अपने दोस्तों को कम बताते हैं। गाँव बल्द उमसी दिन ठाड मतलब गाँव मतलब आलसी बेले तक गया बल्द गाँव मतलब गया बोलते हैं। आलसी इंसान जब कार्य ख़त्म हो जाता है तब उपलब्ध होता है। जब आपका कोई काम हो जाता है कोई आपका दोस्त होगा कोई आलसी पूरा काम हो जाता तब वो फटाफट काम करने लगता। कार राज्य की रानी का भगत वे की कहानी। दोस्तों इसमें धरती आसमान का अंतर होना। दोस्तों कहाँ राज्य की बलरानी और कहाँ भगत की कहानी मतलब अंधी भगत की अंधी इसका यही मतलब हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अग्नि मुहावरे की ओर। अब दोस्तों ये देख सकते हैं कब होली थोरी और कब खाली खोरी मतलब दोस्तों आसमान रहना आसपास मतलब कब होली वाल खोरी सपोर्ट डेट आपका रिजल्ट आने वाला है आपका अच्छे हजार का पेपर कब खुलेगा वाल रिजल्ट और कब खोली खोर जब आपका रिजल्ट कब रिजल्ट आएगा कब नौकरी लगेगी और कब सैलरी मिलेगी कब मैं अच्छे कपड़े लूँगा इसका मतलब यही लगा सकते दोस्तों आप फिर ये देख सकते हैं आप दोस्तों नेक्स्ट मुहावरा है आप फिर नेक आप फिर वेक पेक। दोस्तों सब कुछ खुद ही करना सपोर्ट डेट आपकी शादी है दोस्तों और ये देख सकते हैं आप फिर नेक आप फिर वेक पेक सब कुछ खुद करना। आपकी मुहावरी है ना आपके दोस्त आगे सपोर्ट है बारिश लग गई या बर्फ़ पड़ गई कोई दोस्त आ नहीं पाई तो अपने आप सब्जी खा रहे आप अपने आप पेक लगा रहे इसका मतलब यही दोस्तों। दातुला अपने तरफ काटो अपना व्यक्ति अपना साथ ही देता है ना। ये आप दोस्तों अपने अगले मुहावरे की ओर ये देख सकते हैं दोस्तों आप नाई देगी सलाह ना और मुनाई भेजनी बिना तैयारी के काम शुरू करना। अब दोस्तों नेक्स्ट मुहावरा है निर्बुद्धि राजा कथे कात जो निर्बुद्धि राजा कथे कात मूर्ख हमेशा चर्चा का पात्र होता है। अब यही देख सकते हैं आप दोस्तों भल भल आप देख सकते हैं आप दोस्तों ये बढ़िया मुहावरा है आप देख सकते हैं आप भल भल मर्गे और मुसक चल प्रधान अयोग्य का पद आसीन होना। दोस्तों भल भल मतलब भले भले लोग दुनिया से मर गए हैं और जो नाटे फिटे लोग हैं या बुरे लोग हैं वही दुनिया इस धरती पे बच रहे इसका कुमाऊँ अर्थ यही दोस्तों। और दोस्तों आप बच रहे हैं मेरे दो मुहावरे चलते हैं दोस्तों।
बांझ देगी निशक सक सकी बुरांस में चोट, कमजोर पर ताकत दिखाना। बांझ आप काट नहीं पाए और बुरांस को आप इतनी जल्दी काट रहे। आपको तो पता है कि बांझ कितना कठोर होता है, बांझ की जो टहनी होती बहुत कठोर होता है और बुरांस की टहनी बहुत ही कमजोर होती है। आप इसका मतलब ये दोस्तों, बांझ देगी नहीं सक और सक सकी और बुरांस में आप चोट लगा रहे हैं। आप देखते दोस्तों, बाट में कुड़ी चाहमा उड़ी, आसानी से उपलब्ध चीज जल्दी ख़त्म हो जाती। बाट में मतलब जो आपका रास्ता है वहाँ पे आपका मकान है और आप वहाँ पे लोग जहाँ पे आपका अगर सपोर्ट डेट किसी आदमी का मकान रास्ते में होता है तो वहाँ पे लोग रुकते हैं, चाय पीते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके जो सारे कमाए पैसे वो चीनी चापाती में उड़ गए। आसानी से उपलब्ध चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाती। तो दोस्तों कैसे लगी आपको यह वीडियो? वीडियो अगर अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए दोस्तों। आपको दोस्तों आपको ये वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली पार्ट 2 पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड, जय भारत।